हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन इंडियन इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चरल सेक्टर। शुरुआत में लिखा है ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड। आई थिंक इट इज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, क्योंकि प्री ब्रिटिश की इस डिस्कशन में जो आगे दिया है बुक के अंदर, उसमें कहीं प्री ब्रिटिश की नहीं, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड की बात हो रही है। आई थिंक दिस प्री इज रॉन्ग। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा था। इंडियन इकोनॉमी जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, ज्यादातर लोग उसी काम में लगे हुए थे। 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इतना डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था, और इतना होने के बावजूद अगर 85% जनता एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, और तो फिर तो लेकिन तब भी कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। मैं इसको दोनों को अलग अलग कर देता हूं। द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, है ना। तो यानी कि ना तो हमारे पास सफिशियंट फूड अवेलेबल था, पॉपुलेशन तो हमेशा से इंडिया की हाई रही है, और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी नहीं था। एक्चुअली इनकी पॉलिसीज ही सही नहीं थी। इसीलिए मेन रीजंस फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा 85% पॉपुलेशन लगी हुई है तो फिर क्यों नहीं ग्रो कर रहा था। सबसे पहला उसके पीछे लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहें या कहें इसको जमींदारी सिस्टम, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक था वो था जमींदारी सिस्टम। जमींदार, आपको पता ही है, आपने फिल्म भी देखी आमिर खान की, लगान वसूल करते थे। उनका सिर्फ इंटरेस्ट लगान वसूल करने में था। वो जो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट थे यानी किसान थे, उनको कोई हेल्प नहीं करते थे। अच्छा, उनके ऊपर खुद के ऊपर भी प्रेशर था। अगर उन्होंने टाइम से गवर्नमेंट को लगान नहीं दिया, आई मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उनकी वो जमींदारी जो है वो जा सकती थी। तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग बिहेवियर में भी हार्श थे, और उनका सिर्फ फोकस जो है वो कलेक्शन ऑफ लगान पे ही रहता था। द मेन इंटरेस्ट वॉज टू कलेक्ट लगान, एंड उनकी डेट्स फिक्स थी, और उन्होंने एक तरह से कंडीशंस को किसानों की इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ब्रिटिशर्स भी समझदार थे ना, उन्होंने खुद डायरेक्टली टैक्स ना लेकर इंडियंस में ही, जो प्रोमिनेंट इंडियंस थे, उनको इस काम में लगा दिया, है ना। उनको थोड़ी वीआईपी फीलिंग भी मिल गई, और वो अपने आप ही अपने ही लोगों से इकट्ठा कर करके सरकार को पैसा देने लगे, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। चलिए दूसरा जो है प्रॉब्लम क्या थी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या था, पहले इंडियंस ज्यादातर फूड क्रॉप्स उगाते थे, बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जनरेट करवाने के लिए उनको फूड क्रॉप्स पे लगा दिया, कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड जूट। अब उससे क्या हुआ कि जब फूड क्रॉप्स तो ऑलमोस्ट उन्होंने उगानी बंद ही कर दी, उनको एनकरेज किया, मोटिवेट किया, इंसेंटिवाइज किया कि तुम अगर फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाओगे तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, लालच में किसान उसको उगाने लगे। लेकिन फिर अपने लिए जो उनको खाना खाने के लिए वीट, राइस, बेसिक चीजें चाहिए, वो उनको मार्केट से खरीदनी पड़ी, और प्रोडक्शन फिर गिर गई, और इसकी वजह से भुखमरी भी हुई। लॉट ऑफ फेमिन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, राइट। तो ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। तो अभी तक हमने दो रीजंस पढ़े क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा था या क्यों इंडिया पिछड़ा हुआ था। मेनली तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी ना, एक तो जमींदारी सिस्टम सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, और दूसरा जो इंडिया सेल्फ सफिशियंट हो सकता था फूड क्रॉप्स के थ्रू, वो ना उगाकर हम कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, जिससे फायदा ज्यादा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को हो रहा था, राइट। देन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमिन्स, ठीक है ना। फेमिन सब समझते हैं ना, भुखमरी। तो बहुत भुखमरी हो जाती थी, खाने के लिए अनाज ही नहीं है, आप फालतू की चीजें उगाए जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली उस चीज को कंट्रोल कर रहे थे, है ना। इट वॉज टू केटर टू द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, बेसिकली ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए ऐसा हो रहा था। वो ऐसा कुछ नहीं कि इंडियंस जानबूझ कर रहे थे, ये तो ब्रिटिशर्स की एक तरह से पॉलिसी थी, है ना। They were always in need of raw material like cotton, jute, groundnut, sugarcane वगैरह, so offering higher prices, तो उन्होंने Indian peasants को attract किया, और उसकी वजह से उनको अपनी food requirement shop से खरीदनी पड़ती थी, और इसकी वजह से frequent famines, बहुत भुखमरी के through लोग मरते थे इंडिया में, और ये सब जो है ब्रिटिशर्स ने किया। Then उसके बाद आ जाता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की, तो जो ब्रिटिश इरा था उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी भी पुअर थी।
प्रोडक्टिविटी समझ पा रहे हैं आप, यानी आप ये समझिए कि जो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है उससे जो एग्रीकल्चरल आउटपुट आएगी, अब लैंड तो लिमिटेड ही है ना, बेशक इंडिया बहुत बड़ा है लेकिन ऐसा तो नहीं ना इनफाइनाइट लैंड है, द वर्कर्स आर लिमिटेड द लैंड इज लिमिटेड, अब उसी लैंड पे काम करके आप ज्यादा आउटपुट भी ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज ना तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, मैं बहुत सारे रीजंस को अलग अलग हाईलाइट करता हूँ, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, देन प्रॉपर इरीगेशन नहीं था, सिंचाई के सिस्टम नहीं थे, बारिश पे ही ज्यादा डिपेंड करते थे, फिर नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ना उनके पास खरीदने के पैसे थे ना उनको ज्ञान था। तो ये तीनों चीजें, टेक्नोलॉजी भी पुरानी, इरीगेशन सिस्टम टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन्स एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जैसे मैंने कहा फर्टिलाइजर्स का जहां तक सवाल है, इंडियंस जो है वो मेनली, मतलब उनके पास अवेयरनेस भी नहीं थी फर्टिलाइजर्स के बारे में, है ना। एक मिनट आप होल्ड कीजिए। हाँ ठीक है, तो कल्चरल वेल्थ, दे हैड नॉर द मींस नॉर इंसेंटिव्स, और जमींदार हैड नो रूट्स इन विलेजेस। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने, अभी जैसे आज की तारीख में हम बात करें तो गवर्नमेंट खुद भी जो है वो पैसा खर्चती है, सो द ब्रिटिश रूल स्पेंट लिटिल, द ब्रिटिश रूल स्पेंट लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। यानी उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ना तो इंडिया की एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, ना कोई टेक्निकल नॉलेज दी, कोई एजुकेशन को प्रमोट किया, कुछ नहीं हुआ। सो दीज वर द मेजर रीजंस। फिर स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहना नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स ने पूरा लूट लिया था, जो सोने की चिड़िया वाली बात है वो प्री ब्रिटिश एरा की है ना, अभी तो इंडियंस जो है वो गरीब थे उनके पास कोई पैसा नहीं था, दे वर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग। टेरेसिंग समझते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाना, जैसे हिली एरियाज में होता है, पैसा तो लगेगा उसमें, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, कुछ भी तो नहीं था, कहां से होगा, है ना। अच्छा, ऊपर से फूड क्रॉप्स से कमर्शियल क्रॉप्स पे चले गए, ऐसा लगता था कि इसमें पैसा मिलेगा, लेकिन तब भी कोई खास इनकम उन लोगों को नहीं हुई। बेसिकली इंडियन फार्मर्स पुअर से पुअरर होते गए, पुअरेस्ट हो गए, पैसा उनके पास था नहीं, एग्रीकल्चर हो या कुछ भी चीज हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कुछ भी हुआ नहीं, और यही रीजन है कि इंडियंस पीछे हो गए। और ऊपर से पार्टीशन में भी बड़ी प्रॉब्लम आई, पार्टीशन के बाद, ये एक तरह से ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा के बाद, अब मैं पोस्ट ब्रिटिश इरा यानी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करूं, तो एक बहुत बड़ा कंट्री का हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड जो है वो पाकिस्तान को चला गया, दैट वाज वन पॉइंट, और दूसरा जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो चला गया ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश। उसकी वजह से आपने पढ़ा होगा शुरू शुरू में मैंने बताया था कि इंडियंस हैंडीक्राफ्ट में बहुत फेमस थे, अब वो हैंडीक्राफ्ट के लिए जो जूट इंडस्ट्री थी और जो हमारी जो चीज़ें थी, अब वो वर्ल्ड मोनोपोली जो थी वो इंडिया की फिर डिस्टर्ब होने लगी, हैंडीक्राफ्ट्स भी डिस्टर्ब हुए सब चीज़ों से, और साथ में मेन जो है वो जो जूट प्रोडक्ट्स हम बना रहे थे, क्योंकि जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं वो बांग्लादेश में चले गए, तो इस वजह से भी फिर प्रॉब्लम आई, राइट। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को रिवाइज कराऊं तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा वो कैसे पिटा या क्यों पिटा हुआ था, है ना। 85% पॉपुलेशन लगी हुई थी, फिर भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड में, रॉ मटेरियल में, क्योंकि एक तो जमींदार सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे, कोई हेल्प नहीं करते थे, ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कैश क्रॉप्स को कॉटन क्रॉप्स यानी फूड क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। एंड तीसरा, हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी और फर्टिलाइजर्स हम यूज़ नहीं कर रहे थे, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, वी वर पुअरर, है ना। तो इसकी वजह से टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज कुछ भी नहीं हो पा रहा था, दीज आर द वेरियस रीजंस। और उसके बाद ब्रिटिश के बाद भी जो पार्टीशन हुआ तो बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड पाकिस्तान चली गई और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ईस्ट पाकिस्तान चले गए जो बाद में बांग्लादेश बन गया। तो इंडिया की प्रॉब्लम्स इसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर में मल्टीफोल्ड, है ना, मल्टीपल होती चली गई, राइट। आपको ध्यान होगा मैंने शुरू में भी बताया था कि जो नोट्स हैं वो आपके चैप्टर के एंड में क्विक नोट्स में दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो वहीं से आप कर लें समझने के लिए वीडियो और याद करने के लिए क्विक नोट्स जो आपकी बुक में ही दिए हैं, राइट। थैंक यू।